पहले तो पीएससी और आरईसी की बात करते हैं, तो मुझे दोनों में से पीएससी थोड़ा बेहतर लगता है। और इसका एक ये कारण ये है कि पीएससी जो है वो एक पेरेंट कंपनी है आरईसी की, तो आरईसी में पीएससी का 52% स्टेक है, और इसके चलते मुझे लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं एक कंफर्ट मिलता है कि जो पीएससी है वो ऑलरेडी एक आरईसी में एक अपना स्टेक होल्ड करती है, और वैल्यूएशन के लिहाज से कहीं ना कहीं एक वो कंफर्ट भी ऑफर करता है। तो मुझे लगता है कि जो पीएससी है वो 6 से 12 महीने के नजरिए से 500 रुपीज इसका फेयर प्राइस रहेगा, और आरईसी में मैं रिकमेंड करूंगा कि बाय ऑन डिप की सलाह रिकमेंड करूंगा। अभी ये भाव पे आरईसी लेने से बेहतर पीएससी होगा, जहां आपको दोनों प्ले एक साथ मिलता है। और एट द सेम टाइम अगर हम कारोबार की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो पावर की जो फिनेंसिंग की जो स्टोरी है वो पीएससी आरईसी और आईआरईडीए के थ्रू प्ले होगी, और ये जो स्टोरी है ये स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी है। हालांकि जिस तरह से अभी हमने स्क्रीन पर भी देखा कि दोनों स्टॉक में ऑलरेडी 300% रिटर्न बन चुका है, तो अब यहाँ से जो रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं वो हमें कम करनी होगी। एक अराउंड 15-18% काइंड ऑफ रिटर्न एनुअली यहाँ से मिलने की एक संभावना हो सकती है। एक वन राउंड ऑफ रीरेटिंग हो चुका है, और अगर मेरी मुझे आज यहाँ पिक करना होगा तो डेफिनेटली आप पीएससी में चूज करूंगा एज कम्पेयर टू आरईसी विथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर सनी की राय बेहद ही क्लियर, पीएफसी आरईसी के बजाय पीएफसी ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, मौजूदा स्तर पर भी खरीदारी का मौका है पीएफसी में। अगले एक साल के लिए 500 का लक्ष्य देख रहे हैं। आरईसी जिनके पास है वो होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश एंट्री मत कीजिए, थोड़ा नीचे आए तब आप आरईसी में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन पीएफसी में अभी भी तेज़ी के ट्रिगर दिखाई दे रहे हैं।